हरिद्वार में स्कूलों की मनमानी से नाराज व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील शेट्टी ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अभी भी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगाई जा रही है और स्कूल ड्रेस एक ही दुकान से खरीदने पर स्कूल प्रबंधक मनमानी कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री से हमने माफी की मांग की है महानगर व्यापार मंडल द्वारा। उन्होंने एक बयान दिया था पब्लिक स्कूलों को लेकर, शासन आदेश दिया था पिछले साल जो इस साल पूरा नहीं हुआ, और उसके बावजूद एक उन्होंने इस बार बयान दिया आचार संहिता चुनाव के समय पे कि आचार संहिता चल रही है, जैसे ही चुनाव निपटेंगे मैं चुनाव निपटने के तुरंत बाद ही पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाऊंगा। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है कि हरिद्वार जिले में पब्लिक स्कूलों ने अपनी सारी मनमानी की हदें पार कर दी है और शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार सोए पड़े हैं। आज हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और उनको अभिभावकों को भ्रमित करने के जो शासन आदेश उन्होंने दिए उसके लिए उनसे मांग करते हैं कि वो जनता के बीच आएं, अभिभावकों के बीच आएं और माफ़ी मांगे। साथ ही एक बहुत बड़ा घोर कृतज्ञ, दो दिन पूर्व कोटद्वार में एक व्यापारी द्वारा एक अभिभावक के साथ किया गया जिसे धक्के मार के दुकान से बाहर निकाला गया सिर्फ इस बात पर कि एक स्कूल ड्रेस मनमाने महंगे दामों पर उसे खरीदने को एक स्कूल के द्वारा उसी दुकान से बाध्य किया गया। तो उसको लेके भी हमने आज महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि ऐसे लोग जो अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्कूल माफिया हो, चाहे वो शिक्षा के मंदिरों को बेचने वाले हो, इन सबके खिलाफ इस पूरे उत्तराखंड जिले में जो भारी लूट मच रखी है इसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे अभिभावकों का शोषण रुके। आज हरिद्वार जिले के तमाम स्कूल अभिभावकों को लूट रहे हैं और कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, शिक्षा विभाग के हों चाहे दूसरे अधिकारी हो, वो आचार संहिता का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो आज हम आपके माध्यम से बात पूछना चाहते हैं कि इस इतने बड़े शोषण के पीछे सिस्टम पूरा फेल पड़ा है, क्या मिलीभगत को दर्शाता है और क्या शिक्षा मंत्री से लेके शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी इस मिलीभगत में शामिल है, और अगर नहीं है तो उन्हें जनता के बीच आना चाहिए और अपनी बात मीडिया के माध्यम से अभिभावकों के सामने रखनी चाहिए कि क्या कारण है कि इतने बड़े शोषण को वो रोकने में असफल हैं। और मैं इसके लिए एक मांग और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पे शिकंजा कसा है, उससे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।